दे रहा है दुरुस्त है. वी हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग फॉर सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अवर कॉटनगुरु फार्मर्स कॉन्क्लेव. बट नॉर्मली भी मैं जब किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो देखता हूँ कि फार्मर को सबसे लास्ट में बुलाते हैं बोलने के लिए. तो इट इज़ ऑलवेज लाइक द लास्ट प्रेफरेंस. बट हाउ वी विल शोकेस टुडे इज विदाउट द फार्मर आप क्या नहीं हैं एंड विद द फार्मर आप क्या बन सकते हैं. इस इन कुछ बातों को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं. सो वेलकम टू COTTONGURU Farmers Conclave, and we will start this short event. These are educated farmers. ये जो यहाँ आए हैं ये farmer producer companies के directors हैं. एक एक farmer producer company में एक एक हजार farmer हैं. तो they have grown 2 to 3 steps above the normal marginal farmer. यहाँ कोई बेचारा नहीं है. हमें कुछ ऐसे pitch नहीं करना है कि farmer मर रहा है बेचारा है. ऐसा कोई agenda हमारा नहीं है. We believe in growth, growth and only growth. And the roadmap for growth is that you must have a vision. Taj Mahal bana ya aapka ghar bana, wo hamesha do baar banta hai. Kis tarah do baar banta hai? Koi bhi best creation hamesha do baar banta hai. Ji. Aapka naam aur kahan se hai pehle share kare. Perfect. Please give a big hand. Any creation is always made twice. पहले उसको बनाने वाले के क्रिएटर के माइंड में बनता है. आप सोचिए ताजमहल की डिजाइन, कुतुब मीनार की डिजाइन, आप रानकपुर के टेम्पल देख लीजिए उसकी डिजाइन. एरोप्लेन की डिजाइन बनाई है रानकपुर के टेम्पल में. एरोप्लेन की डिजाइन 400 years back. तो वो हवाई वाहन जो 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 रामायण और महाभारत में आता है उसकी डिज़ाइन माइंड में रख के तीन माले का एक मंदिर बनाया. ऐसे ही ताजमहल बना, ऐसे ही अपना घर बना. इंटीरियर डिज़ाइनर ने पूरा आपको कैड कैम पे पूरा पिक्चर दिखाया, आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गया और आप 10-20-30 lakh रुपए स्पेंड करने को रेडी हो गए. तो विजन होना बहुत बहुत ज़रूरी है. और इंडिया के फार्मर्स में सबसे ज़्यादा मिसिंग अगर कुछ है तो विजन है, क्योंकि वो अपने ज़रूरत के ऊपर सोच ही नहीं पा रहे. लास्ट ईयर वाइब्रेंट गुजरात के बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ फार्म टू फैशन. द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एर ऑर्गेनाइज, जहाँ पे गुजरात के स्टेट लेवल मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे. एंड आई वॉज कॉल्ड एज ए स्पीकर. मैंने स्टेज पे जाके बोला कि नेक्स्ट 3 साल में भारत एक कॉटन इम्पोर्टर कंट्री बनने वाला है. कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट लेवल मिनिस्टर खड़े हो गए. कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला, मिस्टर डागा फ्रॉम COTTONGURU, आई थिंक यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेटफॉर्म. आप गुजरात में हैं, यहाँ ग्रोथ की बातें होती हैं, आप तो नेगेटिव बात करते हैं. मैंने बोला, सर आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड माय प्रेजेंटेशन. मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आप ये स्टेटमेंट आप रिपीट करिए. मैंने उनको 10 years का चार्ट उस प्रेजेंटेशन में दिखाया जो इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन चार्ट है, और 10 years का चार्ट दिखाया जो इंडिया का कॉटन एरिया अंडर कॉटन प्रोडक्शन का चार्ट है. 10 year का चार्ट दिखाया जो इंडिया के कॉटन यील्ड का चार्ट है, और लास्ट में 10 years का कॉटन का चार्ट दिखाया जो इंडिया के कंजम्पशन का चार्ट है. भारत में कॉटन का कंजम्पशन लास्ट 6 सालों में 1 करोड़ बेल से बढ़ गया है. इंक्रीज बाय 1 करोड़ बेल, 10 million बेल. और कॉटन का प्रोडक्शन वही है जहां 2009 में था. तो आर वी रियली ग्रोइंग? और कॉटन का एरिया 28% से बढ़ा है. इंक्रीज इन एरिया 28%, इंक्रीज इन प्रोडक्शन निल, एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 10 million बेस, 1 करोड़ बेल. तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? 1 करोड़ 25 लाख बेल हम एक समय एक्सपोर्ट कर चुके हैं 6 साल पहले. आज हम 45 लाख बेल के एक्सपोर्ट पे हैं. उस वक्त इम्पोर्ट 5 लाख बेल था, आज इम्पोर्ट 30 लाख बेल है. आर वी रियली प्रेजेंट? तब 45 रुपीज डॉलर था, आज 71 रुपीज डॉलर. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें कॉटन सरप्लस कंट्री है और हमें आज का किसान कपास उगाते ही रहने वाला है, और हम तो 10-20 साल तक इस कॉटन 100 करोड़ की इंडस्ट्री को बहुत आराम से चलाने वाले? नॉट पॉसिबल. दिस इंडस्ट्री हैज टू बी प्रेजेंट टू द फैक्ट्स
that are glaring at us. And the facts are that the farmer is unhappy to grow a lot of cotton. क्या आपको कॉटन में तीन चार साल कंटिन्यू नुकसान रहा तो कॉटन का परसेंटेज बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? हम एक दुकान भी खोलते हैं, एक महीना नहीं चलती है तो वी थिंक ऑफ ऑप्शन, क्या हम कुछ कुछ प्रोडक्ट चेंज करें? दो साल वो शॉप नहीं चलेंगे तो वी चेंज द वेन्यू, और वी हैव टू चेंज द वेन्यू इफ वी आर स्मार्ट. तो दे विल चेंज द प्रोड्यूस इफ देर आर गुड ईयर रेन्स. गुड रेन ईयर्स मीन देर इज मोर प्रॉब्लम, बिकॉज अच्छी बारिश में उनको ज़्यादा चॉइस हो जाता है मल्टीपल क्रॉप्स लेने के लिए. मोर वाटर मीन लेस कॉटन. तो जितने ड्राई ईयर्स चल रहे हैं ना उतने इंडस्ट्री के लिए अच्छे ईयर्स. बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. और चीज़ हम हाईलाइट करने वाले हैं, एक ऐसा प्रदर्शन खेत, एक ऐसा एविडेंस फार्म. तो हमने कॉटन कॉन्क्लेव 2019 में इसका जन्म हुआ, एंड ड्यूरिंग दैट कॉन्क्लेव हमने हाईलाइट किया. कुछ फार्मर्स ने आके बताया कि भाई हमने कॉटन गुरु का गाइडेंस लिया और हमारा ये डबल हो गया या थ्री टाइम्स बढ़ गया. तो 2 एकड़ 5 एकड़ प्लॉट्स वेर हाईलाइटेड, राइट. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज देयर वर फार्मर्स फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट्स. देयर वर 28 फार्मर्स फ्रॉम 5 स्टेट्स. तो कॉन्क्लेव के बाद एक गुजरात के फार्मर ने आके मुझे बताया, सर आप जो ये बता रहे हैं 2-5 एकड़ 10 एकड़ की बातें हैं, मेरा तो 150 एकड़ का खेत है. तो आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे ये सक्सेस हो सकता है, ये डबल करना है वो सब, तो आई वॉन्ट टू नो दैट. तो हमने बताया ठीक है, एक छोटी सी मीटिंग भी हमने, कुछ कॉपरेट्स थे और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे, देन वी हैव शेयर्ड दिस थॉट कि भी कैसे हो सकता है. वन ऑफ द कॉपरेट स्टूड अप, आई हैव 100 एकड़ लैंड इन औरंगाबाद एंड इफ यू कैन डेवलप दैट यू डू दैट. नाउ द मीटिंग ऑन एंड ऑन दैट नोट कि ठीक है 100 एकड़ हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे. जब मैंने उस प्लॉट को विजिट किया तब मैं बहुत डबल माइंड हो गया कि क्या मैं कमिट करूं या ना करूं. दैट 100 एकर लैंड इज ओनली 12 किलोमीटर फ्रॉम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पैठन रोड. पूरा बैरन लैंड, पत्थर वाली जमीन. मैंने जमीन में खोद के देखा, 1.5 फुट 2 फुट का खड्डा मैंने खुदवाया, मुझे कहीं मॉइस्ट सॉइल नहीं मिला. 3 ईयर्स ऑफ बैक टू बैक ड्रॉट, 3 साल का अकाल मराठवाड़ा में था. और उसके बाद मई एंड में उस जमीन को जब मैं देखने गया तो मुझे कॉल लेना था कि मुझे यहाँ खेती करनी है या नहीं. नाउ द कमिटमेंट वॉज मेड इन फ्रंट ऑफ फार्मर्स, द कमिटमेंट वॉज मेड इन फ्रंट ऑफ सब इंडस्ट्री फ्रेंड्स के ये करना चाहिए. अगर 100 एकड़ में करके दिखाया तो ही फार्मर्स और इंडस्ट्री मानेगी कि हमारा जो कॉटन गुरु विशिष्ट स्पेशल फार्मिंग मॉडल है फ्रॉम सोइंग टू मार्केटिंग, ये किसी भी लेवल पर सक्सेस हो सकता है. तो ये जर्नी कैसी रही फ्रॉम सोइंग टू मार्केटिंग, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ द लैंड इन ओनली 15 डेज ऑफ टाइम, आई जस्ट शेयर विथ यू थ्रू अ स्लाइड शो. हम किसान कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते. फूड एंड क्लोथिंग, किसान के सिवा कोई नहीं रह सकता. साइंसेस, वी आर गॉन अप टू द मून, मार्स, सब जगह पहुँच चुके हैं, लेकिन दो चीज़ हम लैब में नहीं बना सकते, एक है फूड और एक है क्लोथिंग फाइबर, तीसरा आप ब्लड बोल सकते हैं कि वो हम अभी तक लैब में नहीं बना पाए. सो इसके बिना अपना चलने वाला नहीं है, इनके बिना अपना उद्धार नहीं है, ये हमारा स्ट्रॉन्गली मानना है. नाउ द लुक एट द बेस व्हिच वी शेयर्ड इन द कॉटन कॉन्क्लेव, व्हाट इज गोइंग डाउन इज यील्ड. 2012 आप देख लीजिए, महाराष्ट्र इज ऑरेंज, इंडिया इज रेड. ऑरेंज वहीं का वहीं है, थोड़ा ऊपर गया और फिर वहीं आ गया. रेड वाला आप देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है. 525, 2012-13, 2017-18, 524, मैंने अभी के फिगर नहीं डाले हैं. 2018-19 इज 430. ये मेरा फार्म टू फैशन का स्लाइड है जो मैंने कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर के सामने दिखाया था. अब 430 से नीचे कितना जाना है? एरिया इज गोइंग अप, यील्ड इज गोइंग डाउन, द कॉस्ट इज गोइंग अप, राइट. दैट इज द पे. ये मेरा वो सेशन था लास्ट ईयर का फार्म टू फैशन में. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD थे और फिर मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आई मॉडरेटेड द सेशन. ये वो मिनिस्टर्स थे जो वहाँ पे बैठे थे, रिलायंस वाले हैं लेफ्ट में, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल मिनिस्टर, सभी डिग्निटरीज थे. ये वो लैंड थी जहाँ पे मैं गया. ये लैंड देख के मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे यहाँ पे कॉटन की खेती करनी है या कॉटन का यील्ड डबल करके दिखाना.
ये कुछ मीटिंग्स की हमने एग्री इनपुट कंपनी को बुलाया, सीड कंपनी को बुलाया, आसपास के फार्मर्स को बुलाया, वो अमृत राव दीप देशमुख हैं राइट में पीछे, महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट यील्ड लेने वाले 51 क्विंटल्स पर एकड़ जबकि महाराष्ट्र का एवरेज है 9 क्विंटल्स पर एकड़, तो उनको बुलाया। और ये ज़मीनें ऐसी थी जो पीछे आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल पिक्चर्स है, जानवर घूम रहे थे, पूरे पूरे कैक्टस प्लांट जैसे हो गए थे उस ज़मीन में, एक ही पेड़ था आगे, वो जो बाजू का प्लॉट है वो फेंसिंग, एक ही पेड़ था बैठने के लिए और कोई पेड़ भी नहीं था पूरे प्लॉट में। तो हमने ट्रैक्टर से शुरू किया, वी बॉट टू सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर से काम शुरू किया, ह्यूमन लेबर 100 एकड़ में इमीडिएटली लगाना नहीं पॉसिबल था बिकॉज इकोनॉमी के लिए वायबल भी बनाना है। फिर हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसमें से डालना शुरू किया, अभी तक बारिश एक भी नहीं हुई। दिस इज 25 जून के आसपास का पीरियड है जब बारिश शुरू नहीं हुई थी मराठवाड़ा में, कब होगी ये भी नहीं मालूम था, 3 साल का अकाल था उस पीरियड। ये आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तब डाल रहे हैं। अगर मेरे हाथ में ये ज़मीन पहले मिलती, आज मुझे कोई ज़मीन मिलती है तो आई विल प्रिपेयर अ 9 इंच सॉइल। नॉर्मली व्हाट इन इंडिया वी प्रिपेयर इज अ 4 इंच सॉइल, लेकिन ब्राज़ील इज 100% रेन फेड कॉटन कंट्री, ब्राज़ील का यील्ड इंडिया से 300% ज़्यादा है बिकॉज वो 9 इंच का सॉइल बनाते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वेदर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ हमें जाना है। बारिश 3 गुना ज़्यादा हो जाए या बारिश 3 गुना कम हो जाए, आपकी खेती को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके यील्ड को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी इनकम को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ अवर वे ऑफ सोइंग। तो सॉइल को एनरिच करना ज़रूरी था, पहले सॉइल को सॉफ्ट करना ज़रूरी था, बहुत ही हार्ड और पोरस सॉइल थी तो उसको सांस लेना पहले बहुत ज़रूरी था, तो देट वॉज इम्पॉर्टेंट। कुछ आसपास के गांव के लेबर को हमने जमा किया, उनको इंकरेज किया, आप इधर एक सीजन अगर काम कर लेते हैं तो आप लाइफ टाइम आपके खेत में पैसा बना पाएंगे, ये इंसेंटिव था। पे हम आपको ज़्यादा शायद नहीं कर पाए लेकिन आपकी लाइफ में आपके खेत में कभी लॉस नहीं करेंगे। तो आसपास के इधर द फर्स्ट सीड दैट ब्लॉसम्ड इनटू अ स्टेम, तो ये पहला अंकुर है उस प्लॉट का, उसी की ब्यूटी। पूरे बैरन लैंड में अगर एक ग्रीन अंगूर आता है पहला, तो देख के जो खुशी होती है अपने खुद के सर्जन की वो अलग ही है। ये ऐसे कुछ हमने जहाँ जहाँ पे पेड़ मैंने कुछ लगाया, अलग अलग सीड कंपनीज को हमने बुलाया, उनके डेमो लगाए, एरिया डिमार्क किया, डेवलपर मंजीत ग्रुप जिनकी जगह थी, कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत है, अमृत पैटर्न 5x1 x 7x1 इनका एक बहुत ही डेफिनेट सोइंग पैटर्न है। सीड राशि सीड हाइएस्ट सेलिंग प्राइवेट सीड कंपनी इन इंडिया। ये कुछ स्प्रिंकलर्स उनके गोडाउन में पड़े थे उनके ऑफिस के, जो मैंने देखे थे, तो मैंने बोला उन स्प्रिंकलर्स को यहाँ ले आते हैं। इस प्लॉट पे 15 कुएं और 2 बोरवेल हैं, 15 वेल्स एंड 2 बोरवेल्स ऑल ड्रा, एक बूंद पानी नहीं थी। एक कुएं में हमने थोड़ा स्टडी किया और मिट्टी खुदवाई तो कुछ मॉइस्ट सॉइल निकला, तो हमें उम्मीद आई कि इसको 5-10 फुट डीप करेंगे तो पानी मिलेगा। तो उस कुएं को 10 फुट डीप किया, थोड़ा पानी मिला हमें, उस पानी को हमने स्प्रिंकलर्स के थ्रू जितना पहुंचा सकते हैं उतना आसपास के प्लॉट्स पे पहुंचा है। तो सम प्लॉट्स वी वर एबल टू एनर्जाइज थ्रू दिस स्प्रिंकलर्स। ये हमने पानी सेव करने के लिए एक स्पेसिफिक कटे का पैटर्न है वो लगा, इससे सॉइल इरोशन नहीं होता है। एक शेत तल एक तरीका है, फिर फार्म पॉन्ड वो भी मैं दिखाऊंगा, पर उसको बनाने के लिए पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट से अनुदान मिलने के लिए समय लगता है, इट टेक्स टाइम, हमारे पास समय नहीं था। 28 जून को पहली बारिश आई, उसके पहले हमने ये प्लॉट तैयार, बारिश आने के बाद ये खड्डा नहीं खोल सकते, मॉइस्ट सॉइल में पॉसिबल नहीं था। ये कुछ टाइम के बाद ये प्लॉट ऐसे 2-3-4-5 बारिश तक कुछ नहीं हुआ, पानी अंदर जाते गया, बट दिस वाटर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वेंट एनी वेयर आउटसाइड, पानी सब उस जमीन के नीचे गया, सब इस पॉइंट के आसपास गया और उसको एनरिच करता गया। ये है एक शीत तट जो वो बात करें, जो हम दूसरे प्लॉट पे बना रहे हैं। राजेंद्र ये पुराने वाला ही है तुम्हारा पीपीटी, नया नहीं है ये फार्म, ये इस तरह बनता है, 1-2 एकड़ में ये बन सकता है, इस पर गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है और ये बनने के बाद ये इस तरह का दिखता है भरने के बाद।
Somebody please come. I have to go back. Go back. Chase us like peeche jai. Bas yahan fish pond tak leke hai. This is the pond. Now ye wo dusre plot pe hai. Ye pond abhi is tarah ka pani bhara hua hai to shayad ek aur crop le payenge. This is how we help minimize the use of pesticides. 100 glasses लेते हैं जब plant बहुत छोटे होते हैं तो 100 glass डालते हैं और आसपास जितना जरूरी है उतना ही जहर जमीन में डालना है उतना ही जहर हवा में डालना है minimum use of pesticide so that we don't pollute the soil and the atmosphere. The next is first बारिश के बाद एक छोटा tractor हमने काम में लिया और बारिश के बाद greenery and you know growth vegetation बढ़ते गया it went like that. And if you see the main issue with if you develop dry farmlands is weeds. आज farmer का सबसे बड़ा problem weeds है तो जैसे सस्मेरा के रवि जी ने से share किया weeds को अगर आप बचा सकते हैं तो farmer का 20% cost बचा सकते हैं और farmer के लिए yield में at least 10% gain करा सकते हैं. Weed management is must, housekeeping जितना जरूरी है. ये UPL company से हमने tie up किया उनका ये 22 lakh rupees का spraying machine है. First we brought hand sprayers. 100 एकड़ में हैंड स्प्रे करते करते दम निकल गया. एक दिन में एक आदमी 2-2.5 एकड़ के ऊपर स्प्रे नहीं कर पा रहा था ऑन अ रेगुलर बेसिस. बारिश गिरने के बाद वॉकिंग में भी चैलेंजेस आते हैं. कांट वॉक स्मूथली. तो ये 22 लाख का मशीन ओला उबर सिस्टम से 125 रुपीज पर एकड़ हमने उनको रेंट के लिए कन्विंस किया और मशीन उन्होंने रेंट पर दिया. एक घंटे में 6 एकड़ ये मशीन स्प्रे कर सकता है इतनी स्पीड से यहाँ से किया. फिर हमने सोचा कि ये मशीन बार बार तो हमारे बोलने से वो नहीं देंगे. नॉट ऑल द टाइम. एक बार उन्होंने लाया बार बार नहीं लाएंगे तो ऐसा इन हाउस कुछ डेवलप करना चाहिए. तो एक लेथ वाले के साथ बैठ के 2-3 फार्मर के साथ मिलके हमने ये ऐसा स्प्रेयर मशीन इन हाउस बनाया 32,000 रुपीज़. ये मशीन अभी भी चल रहा है और ये मशीन बहुत काम आ रहा है हमें. तो ये इस तरह से मशीन पे स्प्रेइंग होता है. ऑल एंगल्स हम उस पर सेट कर सकते हैं. सब डिस्टेंसेस सेट कर सकते हैं. 4x6, 5x7 सब इसमें सेट हो सकता है छोटे ट्रैक्टर पे. फिर डिजीज मैनेजमेंट. जैसे ही लीफ आना शुरू हो जाते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द डिजीजेस. छोटे प्लांट पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए. हर एक प्लांट अपने लिए एक बच्चा है कि उसको एवरी वीक वहाँ पे विजिट करके डिजीज मैनेजमेंट रिपोर्ट हम बना रहे थे. द प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग. द फ्लावर्स स्टार्टेड कमिंग. कॉटन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. पहले एक फूल आता है फूल में से फल बनता है. आप किसी चीज़ में कोई और फ्रूट और फ्लावर का कॉम्बिनेशन उस तरह नहीं देखते. अ फ्लावर टर्न्स इनटू अ फ्रूट हियर. दिस इज द फ्लावर स्टेज और ये अभी फ्रूट का स्टेज आ गया. ये 17th 2 दिन पहले के पिक्चर्स है. ये प्लांट जो 2-3 इंच के थे 2-3 फीट के हुए अभी 7 फीट से हो गए. अपने बच्चे अपने से बड़े हो गए. अभी एक एक प्लांट में 90 से 100 बॉल हैं और एक एक प्लांट में 30 से 35 ब्रांच हैं. इसका यील्ड क्या हो सकता है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं. ये मंजीत ग्रुप के भूपेंद्र सिंह राजपाल हैं. ही हैड नेवर विजिटेड दिस प्लॉट. उन्होंने तो एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्लॉट रख के 10 साल पहले छोड़ दिया था. उन्होंने आज तक उस प्लॉट पे अपना पाँव नहीं रखा था. मेरे बुलाने पे मैंने बोला हार्वेस्टिंग बाद में शुरू करूँगा यू हैव टू कम वंस. आज वो उस प्लांट पे आके उन्होंने सब सीड कंपनीज को फ़ोन किया. आपको पता है आपके सीड क्या ग्रो हो गए. एक छोटे बच्चे जैसा एक्साइटमेंट इतने बड़े कॉरपोरेट को हो. उन्होंने अपने ग्रैंडसन को बुलाया घर से. बोला देखो बेटा ये अपने प्लॉट पर होगा है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन कनेक्ट वी गेट. कॉटन से क्या होता है कि आप किसी भी फाइबर के ले लो ह्यूमन कनेक्ट नहीं आता. और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ पेपर पे होती है. विद कॉटन यू कैन गारंटी दीज टू थिंग्स ह्यूमन कनेक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी. तो ये कॉटन की क्वालिटी जो है वहाँ से हम लाए हैं. दिस इज द कॉटन दैट माय ये जो मेरे हाथ में वहाँ से मैंने निकाला है. वॉन्ट टू शो इज महाराष्ट्र में नॉर्मली एक प्लांट पे 15 फ्लावर होते हैं. देर आर 15 फ्लावर्स इन वन प्लांट.
That is the average in Maharashtra, rain fed. This total agriculture was rain fed, not a single rupee of commercial purchase of water. एक रुपए का पानी हमने कहीं से नहीं खरीदा. तो नॉर्मल प्लांट पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र इज 8,000 to 10,000 प्लांट्स पर एकर एंड द नॉर्मल फ्लावरिंग पर प्लांट इज 15 to 25 प्लांट्स पर फ्लावर पर प्लांट इन रेन फेड एरिया. यहाँ आप देखेंगे कितने कॉटन के बॉल एक स्टेम में है, ऐसी 30 से 35 स्टेम इन प्लांट में है. कितने बॉल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 balls in one stem and 30 stems in one branch. Kitne ball ho gaye? Yes, 100 से 150 balls per plant. बहुत आराम से ले सकते हैं 15 to 20 quintals per acre. हम यहाँ पे yield लेने वाले हैं. The average yield in this area in last 3 years was 3 quintals per acre. An increase of 500% in yield in 5 months, 15 June to 17th November. So what is not possible? Where there is a will, there is a way. आगे चल के हम यहाँ पे contamination free cotton harvesting कर रहे हैं और contamination free cotton bale बना के हम developer को देंगे. Within 15 to 20 days from now, he will get a delivery of contamination free cotton bale. तो दैट इज वैल्यू एडिशन. उसमें करीबन 8% उनको प्राइस ज़्यादा रियलाइज होगा. ये यील्ड में उनको ऑलरेडी 500% उस एरिया में बढ़ चुका है. तो दिस इज द फार्मिंग फॉर कंटेमिनेशन फ्री कॉटन. ये कॉटन देखिए किस तरह का है. इस कॉटन है क्या? आइस है. सफ़ेद सोना ऐसे ही नहीं बोलते हैं कॉटन. एक ये नॉर्मल कॉटन है जो आप देख रहे हैं और वो कॉटन जो उनके हाथ में जो फार्मर दे रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन ही है. एवरी फार्म लेबर इज प्रोवाइडेड दिस इक्विपमेंट जो उन्होंने पहना है. हमने सबको बोला यू आर अ डॉक्टर इन ऑपरेशन. ऑपरेशन के लिए डॉक्टर टी शर्ट जीन साड़ी पहन के नहीं जाता है. आपको फार्म में जब भी हार्वेस्टिंग के लिए जाना है ये पहन के जाना है. तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. और ये मंजीत कॉटन के लिए फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री दे विल बी मेकिंग अ कंटेमिनेशन कॉटन बेल, कंटेमिनेशन फ्री कॉटन बेल. तो ये पॉसिबल हुआ है वैल्यू एडिशन से. ये पॉसिबल हुआ है थॉट से, विजन से. दिस इज व्हाट वी वेयर वी कम फ्रॉम. कॉटन गुरु टू डबल द इनकम ऑफ कॉटन फार्मर्स एंड एनश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ कंटेमिनेशन फ्री कॉटन. द थॉट व्हाट आई वांट टू गिव इज दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल. एवरी टाइम दैट यू गो आउट इन एन इंडस्ट्री, इन अ फील्ड, इन अ बिजनेस, यू हैव टू हैव अ विजन. विद अ विजन यू हैव टू हैव अ रोड मैप एंड विद द स्ट्रैटेजी इन प्लेस. आई डोंट थिंक एनीथिंग इज डिफिकल्ट फॉर एनी ऑफ अस. So difficulty is like a bag full of cotton, heavy for those who see it. दूर से देखते तो लगता है बहुत वजन उठा रहा है, but light for those who handle it. So that is the essence of this program. How anyone or two, आप किसान लोग भी बोल सकते हो कि आपको इसमें से क्या एक दो चीजें लगी जो आपके काम की हो सकती हैं. We want this session to be very interactive. बहुत short session करने वाले हैं हम, पर जितना आपका input हमें मिलेगा उतना ही हम आउटपुट को मल्टीप्लाई कर पाएंगे. जी बोलिए. गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ औरंगाबाद से. मैं कॉटन गुरु के श्री मनीष डाका जी का अभिनंदन और उनको शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से हम किसानों तक ये जो रास्ते हमें दिखाई नहीं देते थे वो अच्छे बीज, अच्छा प्रोडक्शन, उसके लिए उनका डेमोंस्ट्रेशन का जो खेत है पैटर्न रोड पर, तो उस वो माध्यम से ज़्यादा उपज बढ़ाएंगे. और अच्छा कॉटन, स्वच्छ कॉटन जो मिशन है, इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्री फार्मर्स. प्राइस बढ़ाने के लिए भी अच्छा होगी, हमें मदद हो जाएगी, मदद मिलेगी. और ये जो रास्ता दिखा रहे हैं उसके बाद में अभी जो इनोवेशन आ रहा है वो भी हमें इनके जरिए इनके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स. और जो मोदी साहब का जो सपना है 2022 में जो
इतना उत्पादन करने का इसका ये मतलब नहीं कि उसे 5-10 हज़ार रुपये तक बढ़ा के उत्पन्न 10 हज़ार प्रति क्विंटल तक बढ़ा के उत्पन्न बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से फार्मर के लेवल तक ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बना के इसमें से जो ज़्यादा पैसे मिलने वाले वो पैसे से उसकी कीमत बढ़ के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसमें कॉटन गुरु हमारी बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहा है। थैंक यू कॉटन गुरु। Thank you. We will launch something very special, like colored, natural colored cotton garments. What is that? Dyes, chemicals, तो बहुत देखे हैं हमने, 200, 300, 400 साल पहले भी देखा है। Indian industry used to produce natural dye, we used to dye and we used to ship overseas. But today is the period of sustainability. Today is the period of environment saving. Today is the period of eco-friendly products. कितना हम eco-friendly रह सकते हैं उसकी उतनी ही lives ज़्यादा होगी, उसकी उतनी value ज़्यादा होगी। Being the only cotton valuer in India, I just researched कि क्या हुआ था national colored cotton की history में। तो India में 2019-1 में when I completed my engineering, there was some research on natural cotton from the Harvard University, Karnataka. बट 92 में डेड हो गया, इट वेंट टू खंडवा, एमपी में गया, वहाँ पे कुछ रिसर्च हुआ, डेड हो गया। 2007-8 अगेन समबडी रिवाइव द रिसर्च, कुछ रिसर्च हुआ, एक साल चला, फिर बंद हो गया। बिकॉज हमने उसको वैल्यू एडर मार्केटिंग के एंगल से नहीं देखा। हमने सोचा कि नेचुरल कलर कॉटन हम बनाएंगे, इंडस्ट्री दौड़ती हुई आएगी, गवर्नमेंट दौड़ती हुई आएगी, सब उसको उठा लेंगे एंड वी विल ऑल ग्रो टुगेदर। बट दैट ड्रीम नेवर रियलाइज। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। एज एन मैनेजमेंट एक्सपर्ट आई विल से पहले डिमांड लेके आए। अगर डिमांड है और आपने कुछ भी बना के दिया, एक पेन भी बना के देना, तो घर बैठे बिकता है। आज अमेजोन पे इतना सब कुछ घर बैठे बिकता है, राइट? बिकॉज ऑफ द डिमांड। एंड अमेजोन हैज क्रिएटेड दैट डिमांड कि आपको घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, दैट चैप्टर इज ओवर। अभी एक मिनट है, अभी बुक कर देते, राइट? तो ये नेचुरल कलर्ड कॉटन गारमेंट हम देन वी स्टडीड द डिमांड। कैरोलिना में, नॉर्थ कैरोलिना में इसमें रिसर्च हुआ था, इसमें कुछ फैब्रिक्स भी बनने की बातें हुई थी, ब्राजील में कुछ हुआ था, बट नोबडी टुक इट अहेड। एक लेवल से ऊपर वो कहीं भी नहीं गया है। तो वी टुक अप द चैलेंज, वी विल क्रिएट अ डिमांड, वी विल इंश्योर इंडिया के टॉप 5 लोग पहले इस कपड़े को पहनते हैं या इस कपड़े को समझते हैं, उसके बाद हम लोगों तक लेके आएंगे। तो कोटक महिंद्रा ग्रुप के श्री सुरेश भाई कोटक, थ्रू कोटक कमोडिटीज, इमीडिएटली उन्होंने एग्री किया कि हम इसको इंक्यूबेट करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे, हम इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड दे चूज सिरकॉट, विच इज द एपेक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, टू ब्रीड द सीड। दिस सीड वॉज ब्रीडेड इन इंक्यूबेशन ऑफ कोटक कमोडिटीज विद द ब्लेसिंग ऑफ सुरेश भाई कोटक, हु इज कंसिडर्ड द भीष्म पितामह ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज 86 ईयर्स की एज में वो इतने एक्टिव हैं, आप उनको देखेंगे तो अपनी एनर्जी पे अपने को शर्म आने लगेगी। तो सच ए पर्सन हैज ब्लेस्ड दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोजेक्ट, और सिरकॉट ने पूरा सर्टिफाइड सीड ब्रीड करके और उसको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करके हमें एक लेवल तक उसको ला के दिया है, और हमने उसको फिर आगे डेवलप करके गारमेंट स्टेज तक लेके गए हैं। माई बेटर हाफ छाया डागा, शी इज हेयर, शी इज अ डायरेक्टर इन अवर कंपनी, शी इज अ डिजाइनर, एंड शी हैज डिजाइन दिस गारमेंट्स। हमने हम व्यूज लिए हैं, हमको इस पर जापान से ऑर्डर्स आए हैं, यूरोप से आए हैं, एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CMD ने हमें बोला है खास मुझे एक सूट चाहिए। उदय जी कोटक, CMD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने बोला है कि मुझे इसका एक सूट चाहिए। सो इंडिया के टॉप 5 इसको पहनने वाले हैं, एंड वेरी सून होपफुली श्री नरेंद्र मोदी, जिनका मेक इन इंडिया का फार्म टू फॉरेन का जो सपना जो उन्होंने दिखाया था, और जिनके प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात की थी, हमें उनको भी ये जैकेट पहनानी है विद ऑल योर ब्लेसिंग्स। वो भी ये जैकेट जरूर पहनेंगे जब समझेंगे कि भारत के किसान ने ग्रो किया है, राइट? दिस इज ग्रोन बाय द फार्मर, डेवलप विद इन इंडिया, ब्रीडेड इन इंडिया एंड गारमेंटेड इन इंडिया। सो वी विल लॉन्च, प्लीज आइए अविनाशी, आइए छाया जी, ऑल ऑफ यू टुगेदर फॉर launching of natural colored cotton garment, first ever time in the world that garments of this type, right? Pura supply chain complete karke from seed breeding to garmenting, right?
डिफरेंट कलर, जमीन का कलर है ये पहला कलर, हमने 8 इयर्स के हार्ड वर्क के बाद ये कलर डेवलप हुआ है, दैट इज द अर्थ कलर. प्लीज ऑल ऑफ यू कम इन, आई एम शोइंग समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव, राइट. तो ये अर्थ कलर, नेचुरल कलर कॉटन, एक भी बूंद पानी, एक भी बूंद डाई केमिकल कहीं भी इसमें नहीं यूज हुआ है. दिस क्लॉथ हैज नॉट टच्ड वाटर, डाई और केमिकल इन इट्स एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऑर्गेनिक प्रोसेस से ग्रोथ एंड ऑर्गेनिक सस्टेनेबल प्रोसेस से इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है. अब इसको और आगे बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं. वी हैव डेवलप्ड दिस इन 25 एकर्स ऑफ लैंड लास्ट ईयर. दिस ईयर वी विल बी ग्रोइंग इट इन अबाउट 500 एकर्स ऑफ लैंड. नेक्स्ट ईयर द गुजरात स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर अप्रोच्ड अस फॉर 10,000 एकर्स ऑफ लैंड, वो उतना देने के लिए तैयार है. लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, इतने सीड्स हमें बनाने होंगे, इतना कॉटन हमें ग्रो करना होगा और आप सबकी मदद से इतने सारे गारमेंट्स हमें मार्केट करने होंगे, तो हजारों लाखों किसानों को वैल्यू एड मिलेगा, वैल्यू एड मिलेगा. दिस वैल्यू एड इज इमीडिएटली 500% किसान के लिए. ये इमीडिएट कपास के कॉस्ट में 230% का वैल्यू एड. जो किसान इसका नेचुरल कलर्ड कॉटन को उगाएगा उसको सीधा 230% का वैल्यू ऐड हम करके देने वाले हैं. बिकॉज हमें आगे, हमने गारमेंट पे आगे इसका वैल्यू ऐड ऑलरेडी सेट कर दिया. तो दैट वाज द इंटेंशन. एक साल हम किसान को चैरिटी दे सकते हैं, दो साल दे सकते हैं, एवरी ईयर इट इज नॉट पॉसिबल. तो वी हैव टू हैव अ डिमांड, वी हैव टू हैव अ वैल्यू. दिस यू कैन सी इज कुर्ती फॉर द यंगस्टर्स, दे कैन वेयर दैट. दिस इज सारी फॉर ओकेशंस. ये ब्लाउज पीस में कितने सारे इनोवेशन हमने किए हैं. हमने सिर्फ बेसिक यहाँ दिया है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कोई ओकेशनल वेयर है. आप ये कैजुअल वेयर, ओकेशनल वेयर, एनीथिंग यू कैन एक्सपेरिमेंट. दिस इज अ फॉर्मल सूट फॉर अ लेडी. आज इतने सारे वर्किंग गर्ल्स हमारे आस पास हैं, इतने सारे वर्किंग वुमेन हैं. हाउ गुड यू फील इफ यू वेयर समथिंग विच इज नॉट टच्ड एनी डाई और केमिकल और एनी पेस्टिसाइड? हाउ गुड वुड यू फील, राइट? ये मोदी जैकेट है और वो समर सूट है. साउथ एशिया में जब हमने सिर्फ कुछ फ्रेंड से बात की तो उन्होंने इसको समर सूट के हिसाब से उन्होंने सामने से नाम दिया. यू कॉल इट अवर समर सूट, वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस. तो इसीलिए मैं इसको हमारे हिसाब से तो ब्लेजर था और हमारे प्राइस लिस्ट में भी वो ब्लेजर है, लेकिन उन्होंने बोला कि वी कॉल दिस समर सूट. और आप हम हमको कितना भेज सकते हैं ये बताइए. इसका लिमिटेशन है हमारे बनाने में, बिकॉज वी वर एबल टू ग्रो ओनली दिस मच. हमने ये फार्मर्स तक नहीं भेजा है, आगे एक कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको ग्रो किया है. एंड नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वी विल टेक इट टू द फार्मर्स टू अ लार्जर स्केल विद ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मनीष, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. एंड आफ्टर सीइंग दिस कलर, वन ऑर्डर फॉर मी, एंड एट द सेम टाइम आई एम अश्योर यू दैट आई विल गिव यू योर बेस्ट ब्रांड फॉर दिस. ये जो नया प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, इसका बेस हम बनना चाहते हैं. चाहे हमको कितनी भी तकलीफ का बंधन, कितना भी पसीना बहाना पड़े, हम आपको अच्छी क्वालिटी का बना के देंगे. हमने स्वागत दीजिए, आज आप हमें सीख दीजिए और उसका जो आपने अब तक ये किया है वो हमको याद दीजिए. हम इससे ज़्यादा कई गुना बढ़ा के आपको दे देंगे. हम किसानों की तरफ से हम आपको आश्वासित करते हैं, हम अच्छी क्वालिटी का, हम जो भी कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी में कर रहे हैं. हम चार साल पहले से आए अच्छी क्वालिटी का कपास, अच्छी क्वालिटी का कपास कैसे बना ये ट्रेनिंग लेके आए. और हमारे मेरा अभी कपास की कंडीशन ऐसी है कि व्यापारी खुद होकर मुझे 100-200 रुपये ज़्यादा देता है. मेरे कपास में कोई भी खराबी नहीं रहती, ना कौड़ी बोलती कौड़ी रहती, ना पत्ती रहती. मैं वो जो 100 रुपये ज़्यादा मिलते हैं वो 100 रुपये देता हूँ. आप पर्यटन, हाँ, मेरा एवरेज भी अभी भी पर्यटन 30-33 टन का एवरेज, 3 टन उसके ऊपर ही आता है. अब इसके बाद में आकर आपने हमें चार्ज दिया जी, आपका ही आप 10 एकड़ करो, 20 एकड़ करो, 25 एकड़ करो, हम उतना करके आपको उतना करोड़ से निकाल के देंगे आगे से. हम आपको चार्ज दीजिए, ये रिक्वेस्ट है. थैंक यू. देखिए, फार्मर आह्वान कर रहा है, दैट इज व्हाट वी वांट. द फार्मर शुड ड्रीम, बड़ा सोचिए और बड़ा करने के देखिए, लेकिन सिस्टमेटिकली करिए, फॉलो करिए. एक बार जो सोचा ना उसको करिए. कितनी बार फेल हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, राइट? बट रोम वाज नॉट मेड इन अ डे.
तो जितनी बार आप कोशिश करेंगे कन्विंस होने के बाद सक्सेस उतना ही नजदीक से आपको दिखेगा। थैंक यू। इसका हमारा आपको इस प्रोडक्ट के कुछ जैकेट्स हमने यहाँ के लिए रखे हैं, तो स्टॉल नंबर H15 हमारा है, वहाँ पे कुछ जैकेट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ हैंडकरचीफ मिल सकते हैं, एक छोटा टोकन अगर आपको कहीं गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए लेना है। वी थैंक सिरकॉट फॉर गिविंग अस द टेक्निकल एडवाइस, उन्होंने उसको पूरा ब्रीड करके दिया। वी थैंक कोटक कमोडिटीज फॉर इंक्यूबेटिंग दिस प्रोजेक्ट। ऑलविन प्लीज कम हियर, ऑलविन इज फ्रॉम कोटक कमोडिटीज। ऑलविन, हाउ डू यू फील टुडे? Sir, it's really, really, really excellent. We've also been, when we went to Portugal for IDMF and when we had gifted these jackets and handkerchiefs to all the people over there, they were really amazed. Unke, matlab, wo dekhte hi rahe ki ye sachi mein dye nahi hai aur ye sachi mein colored cotton hai. To iska demand bahut hone wala hai. Farmers ji, farmers produce kar sakte hai ye cotton. India mein capability hai करने की और इसका डिमांड बहुत होने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। दैट इज कमिंग फ्रॉम समवन हु ट्रैवल्स द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो घूमते हैं। कोटक कमोडिटीज के सुरेश भाई के आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट आज इस लेवल पे पहुंचा है। थैंक यू ऑलविन फॉर बीइंग हियर, प्लीज पास ऑन अवर हार्टफेल्ट थैंक्स टू सुरेश भाई कोटक, एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, एंड बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक वी आर हियर फॉर सम पर्पस, हम इस दुनिया में किसी पर्पस से आए हैं, अपना पर्पस ढूंढ के वहां पे आगे बढ़ना है। थैंक्स। स्टॉल नंबर H15, अगर आपके जैकेट्स और इसके हैंडकरचीफ देख के खरीदना चाहें। थैंक यू। लेके आना है। And group Avinash is also part of the crystal. How do you feel, Jigna ji? Commend his efforts to make such kind of product, and it really require innovative thinking and creative mindset. And Suresh ji, and he has done a great job, which is obviously all dreamed of. Congratulations, and wish you all the best. I request you to take this up to the industry. More and more people should get into it, especially the topics that we discussed today also, how cotton can be utilized in medtech and how agrotech can help, change the future of Indian farming industry. Thank you.